नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी अपना बजट। जी हां, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश करेंगे। ये सीएम बघेल के कार्यकाल का अंतिम बजट होगा। चुनावी साल होने से नई सौगातों के साथ मुख्यमंत्री बघेल आखिरी बजट पेश करेंगे। दोपहर 12:30 बजे बजट सदन के पटल पर रख दिया जाएगा। बजट को राज्य सरकार भरोसे के बजट के नाम से पेश कर रही है। प्रदेश में ये 5वीं सरकार है। इससे पहले राज्य गठन के बाद पहली बार कांग्रेस सरकार और फिर 3 बार भाजपा की सरकारें चुनाव से पहले ऐसा बजट पेश कर चुकी हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जरूरत पड़ने पर भूपेश सरकार चुनाव से पहले अनुपूरक बजट भी ला सकती है। माना जा रहा है कि इस बार का बजट 1,15,000 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा का हो सकता है। पिछला बजट 1,04,603 करोड़ रुपए का था। बजट में सरकार का पूरा फोकस गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा और कर्मचारियों पर रहने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ सरकार गरीबों को आवाज देने की योजना भी लॉन्च कर सकती है। छत्तीसगढ़ की सीएम भूपेश बघेल की सरकार पहली बार ई बजट पेश करेगी। प्रदेश में बजट पेश करने की शुरुआत 2001 से हुई थी। तत्कालीन वित्त मंत्री रामचंद्र सिंहदेव ने करीब 1300 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश किया था। इसके बाद 2001-02 के लिए आम बजट आया। तो देखिए, आज सभी को काफी ज्यादा उत्सुकता है कि आज ये बजट पेश किया जाएगा और कहीं ना कहीं जो जनता है छत्तीसगढ़ की उम्मीद लगाकर बैठी है कि इस बजट में कहीं ना कहीं जो महंगाई एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है उससे भी कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। क्योंकि राजस्थान का जब बजट पेश हुआ था उसके बाद से कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी ये उम्मीद की जा रही है और अब गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा और कर्मचारियों पर ज्यादातर फोकस रहने वाला है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। 12:30 बजे बजट शुरू हो जाएगा। बजट के बाद पता चलेगा कि सीएम बघेल के पिटारे में क्या कुछ खास है जनता के लिए। चलिए, अब इस पर पूरी चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से जुड़ चुके हैं अनुराग अग्रवाल जी, कांग्रेस से अमित श्रीवास्तव जी और पत्रकार कौशल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। सबसे पहले कौशल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह आज सभी को उत्सुकता है कि आज बजट पेश होने वाला है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है वैसे ही, और ऐसे में छत्तीसगढ़ का ये बजट, चुनावी बजट, काफी ज्यादा मायने रखता है। लेकिन इस बार का जो बजट है, जो विधानसभा चुनाव के पहले ये आखिरी बजट होगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, इसलिए माना जा रहा है कि सौगातें आपको इस बजट में कई प्रकार की दिखने को मिलेंगी। इसमें जैसा हमने कौशल जी, आपकी आवाज हम तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, इस वक्त हम बात करते हैं कांग्रेस प्रवक्ता जी से, जो कि अमित जी हैं। अमित जी, बजट आज पेश होने वाला है, ऐसे में जनता की निगाह इस बजट पर है और महंगाई की अगर बात की जाए तो ये कयास लगाए जा रहे हैं राजस्थान में जिस तरह से महंगाई कंट्रोल को लेकर बजट पेश किया गया, क्या वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर कोई राहत मिल सकती है जनता को? निश्चित तौर पे अमृता जी, सरकार का काम जनता को राहत पहुंचाना है और आपको बता दूं कि देश के नंबर वन सीएम आज निश्चित तौर पे, मुझे पूरा विश्वास है कि वो देश का नंबर वन बजट पेश करने जा रहा है। और पहले भी हमने जो कहा था, हमने जो किया और जो कहेंगे वो करेंगे और मिलकर अपने छत्तीसगढ़ को गढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ की जनता को आज समर्पित होगा छत्तीसगढ़ में भरोसे का बजट। और निश्चित तौर पे हमारे प्रदेश के लोगों के सपनों को पूरा करने वाला ये बजट होगा, उनकी उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला ये बजट होगा। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मुख्यमंत्री जी आज 5वां बजट अपना पेश करेंगे और इस कार्यकाल का अंतिम बजट उनका होगा। लेकिन अगर आप देखेंगी तो पिछले 4 बजट को जब हम स्टडी करते हैं तो निश्चित तौर पे वो पूरा बजट जो होता है, गांव, गरीब, आदिवासी, किसान, युवा, महिला और छत्तीसगढ़ को समृद्ध, खुशहाल और सशक्त बनाने की ओर प्रयास के लिए माना जाता है। और जिस प्रकार से आप देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ मॉडल, जो अभिनव पहल हमने आज से 4.5 वर्ष पूर्व की थी, चाहे धान खरीदी में हो, 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा, एक 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का अगर आप देखेंगे कि हमने किसानों के अकाउंट में पैसे डाले हैं, और जिस प्रकार से आप देखिए, चाहे धान खरीदी हो, चाहे लगातार अगर आप देखेंगे 65 से ज्यादा इनके समय में, जो इनके समय में 7 वनोपति खरीदी होती थी, हमारे में 65 से ज्यादा हो रही है, खरीदी में भी रिकॉर्ड बना लगातार। शिक्षा और स्वास्थ्य को अगर आप देखेंगे तो जो छत्तीसगढ़ में मॉडल हमने किया है
हमने जो अप्लाई किया है निश्चित तौर पे दूसरे प्रदेशों में भी हमारी पॉलिसीज को अडॉप्ट किया जा रहा है और उसे खूब पसंद किया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ये बजट जो आएगा वो अनेकों फायदे वाला बजट होगा और जिस प्रकार से मैंने कहा ना ये सभी के हित को देखते हुए जी। बिल्कुल कहीं ना कहीं मतलब काफी ज्यादा उम्मीद है जो वो जनता को लगी हुई है और भरोसे का बजट जो नाम दिया गया है कहीं ना कहीं वो खरा उतरेगा कि नहीं वे देखने वाली बात होगी क्योंकि कुछ ही देर में ये बजट पेश किया जाएगा। अनुराग जी क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं आप इस भरोसे के बजट से? चार साल से कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार आज चार साल बाद धोखे की बजट लेकर आएगी क्योंकि वो जानती है कि दो महीने बाद और तीन महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। चार साल में उन्होंने जो 36 वादे किए थे उस 36 वादे से तो सबसे पहले उनके जन घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष त्रस्त हो गए। घूम घूम के जगह जगह कह रहे हैं कि मैं इस समय चुनाव नहीं लड़ूंगा। नैतिकतावादी व्यक्ति हैं जिसे शर्म आ रही है और वो पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने से मना करने की बात कर रहे हैं। ये स्वयं बताता है कि कांग्रेस के जन घोषणा पत्र का क्या हाल है। और झूठ की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश जी ने कर दी है। प्रधानमंत्री आवास को लेकर पूरे प्रदेश में वार्ड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर, जिला स्तर पर विधानसभा घेराव के बाद 15 तारीख को पूरे प्रदेश के 18 लाख आवासहीन जब विधानसभा घेराव करने की बात करते हैं तो भूपेश बघेल जी कहते हैं कि मैं 1 अप्रैल से 30 जून तक सर्वे कराऊंगा प्रधानमंत्री आवास का, उसके बाद मकान दूंगा। अरे भूपेश बघेल जी, सर्वे करवाने की क्या आवश्यकता है? आप लगता है अपने मंत्री टीएस सिंहदेव जी का पत्र नहीं पढ़े जिन्होंने उन्होंने स्पष्ट कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम विगत 3 वर्षों में प्रदेश के 8 लाख आवासहीनों को उसका मकान नहीं दे पाए। मैंने लगातार आपसे चर्चा की परंतु आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगर ये 8 लाख आवास बनते तो प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए आता जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती, परंतु उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और उनका इस्तीफा ले लिया। तो अगर मुख्यमंत्री जी आप प्रधानमंत्री आवास के आवासीनों का सर्वे करने के बजाय टीएस सिंहदेव जी से उनका लिस्ट ले लीजिए और 15 तारीख को भारतीय जनता पार्टी आवासीनों को लेकर घेराव करने आ रही है। तो अनुराग जी आपके हिसाब से मतलब ये सर्वे पहले किया जा चुका है? मेरे हिसाब से नहीं मैडम, ये सर्वे किया ही जा चुका है। 2011 की लिस्ट इनके पास है, 2016 की लिस्ट इनके पास है। भूपेश बघेल जी जरा टीएस सिंहदेव जी से पूछे ना कि 8 लाख मकान का बन न पाने के कारण जो इस्तीफा दिए थे वो कौन से लिस्ट के आधार पर इस्तीफा दिए। मैं तो कह रहा हूँ भूपेश बघेल जी ने अपने झूठ की शुरुआत की है और आज वो झूठ प्रतिफलित होगा। लेकिन अनुराग जी एक सवाल ये भी उठता है, आप धोखे का बजट कह रहे हैं लेकिन बजट पेश तो होने दीजिए। नहीं, इसलिए मैं धोखे का बजट कह रहा हूँ कि चार साल में वही झुंझुना इन्होंने प्रदेश की जनता को पकड़ाया और जब ये लगातार पूरे प्रदेश में बोर्ड लगा लगा कर कहते रहे कि हमने 5 लाख रोजगार दिए, इन्होंने सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमिक्स एक संस्था, अमित जी जवाब दीजिए, पीएम आवास योजना को लेकर कहा जा रहा है कि 8 लाख आवास पहले ही चिन्हित किए गए थे जिसका नहीं बनवाया गया, ऐसे में क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? साफ तौर पर बीजेपी आरोप लगा रही है, अब सर्वे की बात आप लोग क्यों कर रहे हैं? अमृता जी मुझे अनुराग जी की बातों पे मैं कुछ पंक्तियां याद आ गई कि कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। तो आप इसको ठीक कहते हो, भूपेश बघेल से वफा की उम्मीद नहीं कर सकते। बढ़िया अमित भाई, एक मिनट लेट मी कंप्लीट माय वर्ड। आपने कहा, मैंने बड़े धैर्य पूर्वक सुना, आप मेरे अच्छे मित्र हैं, सुनिए। देखिए अमृता जी, प्रदेश के सपनों को हकीकत देने वाला ये बजट होगा और भाजपा के लोग जुमलेबाज जो कि चुनाव जीतने के बाद कह देते हैं तो जुमलेबाजी है, हमने तो कोई वादे ऐसे किए नहीं थे, लेकिन हमने 36 वादे किए थे, 26 से ज्यादा हमने पूरे भी कर दिए हैं। और जब लोग कहते हैं ना इस प्रदेश में, सर आप कह रहे हैं 26 से ज्यादा वादे पूरे कर दिए लेकिन विपक्ष तो यही कह रहा है कि 6 वादे भी पूरे नहीं हुए। देखिए मैंने तो आपको पूरी पंक्तियों में सारा सार बता दिया, आप इनसे उम्मीद कर रहे हैं? जनता जनार्दन होती है साहब, जनता सारी चीजों को देख रही है। अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे, 15 साल बेमिसाल 10 सीटों में लाके इनको छोड़ी थी, अगर जनता हमें लगातार 5 उपचुनाव जिता रही है मतलब हमारी योजना जनता को पसंद आ रही है। हमने जो कहा है हमने किया है, हमने जो संकल्प लिया था हम उसके लिए कोई विकल्प नहीं ढूंढते अमृता जी। और आपको बता दूं जब इस प्रदेश की जनता कहती है भूपेश है तो भरोसा है, तो ऐसे ही नहीं कहती, 4.5 सालों का काम है उसके पीछे, क्रेडिबिलिटी है। और मैं आपको बता दूं ये पूरा जो आपने कहा ना बिना देखे इन्होंने कह दिया बजट ऐसा होगा वैसा होगा, ये ऐतिहासिक बजट होगा अनुराग जी, सुन लीजिए। गांव गरीब किसान आदिवासियों पर फोकस वाला होगा। अनुराग जी कुछ दिखाना चाह रहे हैं, अनुराग जी दिखाइए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ये इनके घोषणा पत्र में लिखा है घर घर रोजगार हर घर रोजगार, ये एक बोर्ड लगाकर पूरे प्रदेश में कहते हैं कि हमने 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया, लेकिन विधानसभा में उत्तर देते हैं कि हमने 20,000 लोगों को रोजगार दिया। इनकी एक जेबी संस्था है सेंट्रल मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, वो कहती है कि प्रदेश में 0.08% बेरोजगारी है, मतलब नहीं है।
मैं अमृता जी, इस प्रदेश में 91 लाख चपरासी के पदों के लिए 2.5 लाख से ऊपर आवेदन आए जिसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट थे। फिर 26 जनवरी को मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। दो बात एक साथ कैसे कह सकते हैं? आप कहते हैं कि आपके प्रदेश में बेरोजगारी है नहीं, फिर बेरोजगारी भत्ता देंगे किसको? और साहब, बेरोजगारी भत्ता के नाम से 150 करोड़ का झुंझुना मत पकड़ाइएगा। 10 लाख बेरोजगारों को आपने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, अगर 4 साल का उसका पैसा निकाले तो 12,500 करोड़ रुपए होता है, और अगर 5 साल का पैसा निकाले तो 15,000 करोड़ रुपए होता है। और 3 दिन पहले विधानसभा में आपने उत्तर दिया कि 18,80,000 पंजीकृत बेरोजगार हैं। तो भैया, तुम्हारी पोल तो विधानसभा में तुम्हारे ही उत्तर करते हैं। तो ऐसे ऐसे घोषणा पत्र में लगातार दिखाते हैं। अमित जी, सारे आंकड़े हैं जो आपके सामने पेश कर दिए अनुराग जी ने, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? अब मैं भी आंकड़े प्रस्तुत कर देता हूं। देखिए, सीएमआई, इनको तो इस चीज पे विश्वास नहीं है। जब मोदी जी की तारीफ होती है तो ये उस आंकड़े को पूरा सही मानते हैं, और जब हमारे प्रदेश की बात होती है तो ये छत्तीसगढ़ के ही भाजपा के नेता को पता नहीं क्या हो जाता है। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि छत्तीसगढ़ में घटी है बेरोजगारी और बड़ा है रोजगार। और मैं आपको बताऊंगा, चाहे फिर वो गोबर से आय का साधन हो, गोठानों से जिस प्रकार से प्रगति पेंट हो, मैं आपको बता दूं 18,000 से लीटर ज्यादा, 45 इकाइयां से ज्यादा उस एमओयू हो चुका है, 13 से ज्यादा चालू भी हो चुकी है। लगातार आपके माध्यम से मैं बता दूं कि सीएमआई की जो रिपोर्ट आई थी अमृता जी, उसके अनुसार फरवरी 2023 में अभी राज्य की बेरोजगारी दर 0.8 से भी कम है, और देश की औसत बेरोजगारी दर अगर आप देखेंगे 7.5% से मतलब अधिक है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में आप देखिए कि जिस प्रकार से कोरोना काल में भी पूरे देश में जब मंदी व्याप्त थी, हमारी योजनाओं के कारण, यहाँ के लोगों के कारण, और जिस प्रकार से आप देखेंगे छत्तीसगढ़ उससे अछूता रहा। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारी योजनाएं, आप कोई भी योजना आप उठा के देख लीजिए, जैसा मैंने आपको कहा, हमारे आने के बाद यहाँ पर 23.42 लाख किसान बढ़ गए, और इस साल लगातार हमने जैसा पहले 87 मैट्रिक टन। आपकी सरकार से हर वर्ग खुश है, चाहे किसानों की बात की जाए या युवाओं की बात की जाए, बेरोजगारी भी कम हुई है। आंकड़े बताते हैं अमृता जी कि जिस प्रकार से मैंने कहा ना, इस साल 104 106। लेकिन सर, अनुराग जी जो आंकड़े पेश कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैंने कहा ना, अनुराग जी की जो सरकार है वो लगातार, चाहे वो केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है वो जुमलेबाज सरकार है, और जिस प्रकार से इनके ऊपर आरोप भी लगा था, ये मैलिफाइड इंटेंशन से काम करने वाले ये लोग हैं, और मैनिपुलेटेड मीडिया गिरोह के सदस्य हैं। और जिस प्रकार से मैंने कहा ना, इनका जो गिरोह है, जो गिरोह है वो चिंटू मिंटू गिरोह, जिसको हम कहते हैं चिंटू मिंटू, इनका व्हाट्सएप ग्रुप, वो लगातार सुबह उनका काम यही रहता है कि झूठे आंकड़े प्रस्तुत करना, जिस प्रकार से चेंज करके करना, तोड़ना मनोड़ना। इसीलिए मुझे लगता है कि जब भूपेश बघेल जी के कद काठी का, कांग्रेस के कद काठी का, अमित जी, मैं आपको इस वक्त रोकना चाहूंगी, आपसे और चर्चा करूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे वरिष्ठ पत्रकार कौशल जी जुड़ चुके हैं। कौशल जी, आपसे सवाल करना चाहूंगी, आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने वाला है, कर्मचारियों की नजरें टिकी हुई हैं, यहाँ तक कि हर जो वर्ग है वो इस बजट का इंतजार कर रहा है। चुनावी बजट है, कैसा रहेगा, क्या कुछ उम्मीद की जा रही है? अमृता जी, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज पहुंच रही है मुझ तक। देखिए अमृता जी, निश्चित तौर पे 2023 का जो विधानसभा चुनाव, उसका ये आखिरी बजट सत्र माना जा रहा है। भूपेश बघेल बजट सत्र को पेश करेंगे 12:30 बजे। इसके पहले आप देखेंगे कि जिस प्रकार की जो उम्मीदें हैं, लगातार कर्मचारी आंदोलन पे है, शिक्षक कर्मियों की जो विधवाएं आंदोलन पे है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आंदोलनरत कर्मचारी है, सातवें वेतन मान के अनुसार डीए देने का जो प्रावधान है, युवाओं की जो बात है, किसानों की जो बात है, मुझे लगता है कि इस बजट में वो सारी चीजों का समावेश होगा, इसको लेकर उम्मीद की जा रही है। क्योंकि निश्चित तौर पर चुनावी बजट होगा, ये नहीं कहेंगे चुनावी बजट नहीं होगा, चुनावी बजट ही होगा, और उसमें ऐसी कई घोषणाएं भी होंगी जो लोगों को आकर्षित करेंगी। क्योंकि इसके बाद सीधा जैसे ही बजट सत्र समाप्त होगा, उसके बाद दोनों ही राजनीतिक दल या जितने भी राजनीतिक दल है, वो चुनावी समय आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनावी वर्ष है उसका ये आखिरी बजट है। सामान के चलिए इसमें युवाओं के लिए, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं के लिए, जो कर्मचारी, जो आंदोलनरत हैं, निश्चित तौर पे उनके लिए कुछ ना कुछ इस बजट में होगा। और आप देखेंगे 12:30 बजे जैसे ही बजट पटल पे आएगा, आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। कौशल जी, ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं लगातार कि राजस्थान में जिस तरह से महंगाई कंट्रोल को लेकर प्रावधान किया गया, क्या उसी तरह उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी यही फॉर्मूला अपनाएगी कांग्रेस? देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस क्या फार्मूला अपनाती है ये तो अभी देखने वाली बात है, लेकिन कहीं ना कहीं बार ये भी तय माना जा रहा है कि जो महंगाई को राहत जैसे राजस्थान सरकार ने दी है कुछ देर, उनका बजट करीब है, छत्तीसगढ़ के बजट में जरूर।
बिल्कुल देखने वाली बात होगी, कुछ ही देर का समय बचा है कौशल जी, और जो सीएम साहब के पिटारे में जो है बजट को लेकर वो खुल जाएगा और जनता बेसब्री से इसका इंतजार कर रही है। जी अमित जी, अब अपनी बात पूरी करिए। देखिए मैं आपके माध्यम से कह दूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में लगातार हमने जैसा कहा था, अनुराग जी कह रहे थे ना, मैं आपको आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूँ सारे, चाहे विश्व स्तरीय शिक्षा से बदल रही है हमारी तस्वीर, और जिस प्रकार से 279 से ज्यादा हमने यहाँ पर स्कूल को रिओपन किया स्वामी आत्मानंद जी के नाम से, और इस बार हम 398 से ज्यादा नए स्कूल कर रहे हैं, और ये जो बजट आ रहा है ये तरक्की का गढ़, मतलब छत्तीसगढ़ वाला बजट होगा, कई सौगातें लोगों को मिल सकती हैं, और वित्त विभाग ने एक बार, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कोई कर भी जनता पे हम बोझ नहीं देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से अगर आप देखिए कोरोना काल के बाद जिस प्रकार से केंद्र की योजनाओं के बाद जिनको अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है, ऐसा लगता है घटती हुई कमाई और बढ़ती हुई महंगाई से आज देश की जनता वैसे ही त्रस्त है, तो कम से कम हम जब सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती। अमित जी, एक सवाल ये भी उठता है, पीएम आवास योजना का सर्वे कराने की बात सीएम साहब कर रहे हैं, लेकिन पिछले चार साल में क्यों नहीं कराया गया? पैसे डीएमएफ फंड से आ रहे हैं ना? रिपीट कर दीजिए, आपकी वॉइस कट रही है। जिस तरह से अमित जी आप कह रहे हैं, सीएम साहब कह रहे हैं कि अब सर्वे कराया जाएगा पीएम आवास योजना को लेकर, जो हकदार है ग्राही उनको उनका हक मिलेगा, ऐसे में पिछले चार साल में ऐसा क्या हुआ जो नहीं कराया गया था? देखिए लगातार आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से बातें आई हैं और मुख्यमंत्री जी ने कहा है सर्वे कराया जाएगा, तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ की जनता का जो भी वाजिब हक है और अधिकार है हम उनसे वंचित उन्हें करेंगे, चाहे वो केंद्र सरकार लगातार हर्डल्स पैदा करने का काम जो कर रही है हमारे प्रदेश के लोगों को जिस प्रकार से उनके हित को अहित करने का जो लगातार काम कर रही है, और जिस प्रकार से भाजपा के नेता चुप रहते हैं, ये एक दुखद पहलू है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से देखिए लगातार सुबह से और कल से जिस प्रकार से बिना बजट पेश हुए, जिस प्रकार से एक मेटा फाइन इंटेंशन से, जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि एक ऐसा ऐसा क्रिएट किया जा रहा है, सीन क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है कि ऐसा होगा वैसा होगा, मुझे लगता है भाजपा के लोगों को वेट करना चाहिए, उस बजट को पहले पढ़ लें, क्योंकि अर्थशास्त्र का वैसे भी इनके नेताओं को भी जो है केंद्र में बैठे हुए हुक्मरान है ना अमृता जी, उन्हें अर्थशास्त्र का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, और जिस प्रकार से आज हम आपको बता दें कि विकास की नई सोच के साथ, नई सोपान के साथ, कई नई जन कल्याणी योजनाओं। चलिए अमित जी, आपको रोकना चाहूंगी इस वक्त, हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कुछ कह रहे हैं बजट को लेकर, चलिए उनको पहले सुनते हैं, हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की है, चलिए आपको सुनवाते क्या कुछ बातचीत की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने वाले हैं, क्या खास होगा, क्या जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला होगा बजट? हमारे साथ कैबिनेट के अहम जो है काबीना मंत्री टीएस सिंहदेव जी है। बाबा, कितने भरोसे वाला बजट जो है? एक तो आदमी बजट के संदर्भ में पहले से जल्दी कुछ कहता नहीं है क्योंकि उसकी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया है कि भरोसे का बजट होगा, तो ये मानना चाहिए कि बहुत सारी बातें जो लंबित हैं उनमें से कई चीज़ें हमको पूरी होती हुई दिखेंगी। काफ़ी वर्ग है, युवा है, बेरोजगार है, कर्मचारी वर्ग है, काफ़ी उम्मीदें लिए बैठा है, युवा टकटकी भरी निगाहें से इस बजट की ओर देख रहे हैं, तो कितना उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा? इसकी तो घोषणा 26 जनवरी को ही मुख्यमंत्री जी ने कर दी थी कि बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, तो एक संख्या को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा ये तो विश्वास करना चाहिए, इसमें भरोसे की ही बात नहीं है, ये तो मान लीजिए कि हो ही गया है। बाकी रोजगार के अवसर बेरोजगार नागरिकों को उपलब्ध कराना, तो कई क्षेत्रों में इसके लिए पहल की गई है। गौठान में जो हम इकाइयां लगा रहे हैं, एक गौठान में अगर आप 5 इकाइयां लगाते हैं तो 50 लोग को उसमें रोजगार मिलता है, तो रोजगार मतलब सरकारी नौकरी या तनख्वाह नहीं, रोजगार मतलब आमदनी बढ़ाने का आपका जरिया। और 10,000 ऐसी इकाइयां गौठानों में आएंगी, कम से कम 10,000 गौठान तो हमारे होंगे, तो 10,000 × 50 तो 500,000 लोगों को आप सीधे तौर पे रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, तो यहाँ से लेके आप बात को आगे ले जाएंगे तो पेंशन है अभी कम है, ये बढ़ता हुआ दिखना चाहिए, कई कर्मचारी हैं वो नियमित होने के इंतज़ार कर रहे हैं, दैनिक वेतन भोगी हैं, कई संविदा में हैं, इनमें क्या स्थिति बनती है, इसमें वित्तीय भार आएगा, 4,000 करोड़ का वित्तीय भार आएगा, तो कहाँ तक सरकार अन्य चीज़ों को देने के साथ इनको भी पूरा कर पाएगी,
12:30 बजे पता चल जाएगा, लेकिन आपका भी विभाग है, क्या उम्मीद है? क्योंकि काफ़ी उम्मीद और काफ़ी अहम विभाग है स्वास्थ्य जी। उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर मेडिकल कॉलेज तक बजट में आपको व्यवस्था सुधरती हुई दिखेगी, आगे बढ़ते हुए हम दिखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। विपक्ष रेवड़ी वाला बजट पेश करने की बात कहे, रेवड़ी तो बेतुकी बात है, इसमें कोई दम नहीं है इस बात में। वो शगुफे और जुमले इस्तेमाल करते रहते हैं कुछ लोग, और वही एक प्रयास था कि रेवड़ी भी चल जाएगा। लोगों के लिए काम करना रेवड़ी नहीं होता, शिक्षा उपलब्ध कराना निःशुल्क रेवड़ी नहीं होता, निःशुल्क स्वास्थ्य उपलब्ध कराना रेवड़ी नहीं होता, पेंशन उपलब्ध कराना रेवड़ी नहीं होता, किसानों को आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए राशि उपलब्ध कराना रेवड़ी नहीं होता, जिनके पास जमीन तक नहीं है उनको न्यूनतम आमदनी उपलब्ध कराना ये रेवड़ी नहीं होता। ये सामाजिक दायित्व है किसी भी शासन का, और जो शासन ये काम ना करे उसको रेवड़ी की बात नहीं, शासन में नहीं रहेगा, इलाके भरोसे वाला बजट होगा रहेगा। तो ये थे टी.एस. सिंहदेव जो कह रहे थे कि आने वाला जो बजट है वो जनता की उम्मीदों पे खरा उतरने वाला और भरोसे वाला बजट साबित होगा। कैमरामैन हृदय साहू के साथ नदीम मेमन, अनादि न्यूज़ रायपुर। देखिए अनुराग जी, बजट पेश होने वाला है, टी.एस. सिंहदेव का भी बयान आके और उन्होंने कहा है कि जो भरोसा है जनता का वो बरकरार रहेगा, और बेरोजगारी महंगाई भत्ते की बात की जाए तो पहले ही 26 जनवरी को सीएम साहब इसका ऐलान कर चुके हैं। आप लगातार आरोप लगा रहे थे कांग्रेस पर, आपके संवाददाता जब टी.एस. सिंहदेव जी से पूछ रहे थे तो एक सवाल और पूछ लेना था कि महोदय, जो आपने इस्तीफा देते समय 8 लाख लोगों का प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पाए वो कहा था? मुख्यमंत्री जी कह रहे लिस्ट नहीं है, जरा लिस्ट उनके तक पहुंचा दें तो गरीब को उसका न्याय बहुत जल्दी मिल जाए। लेकिन सर वो ये भी तो कह रहे हैं ऐसी बहुत सी बातें थी जो पहले पूरी नहीं हो पाई थी, अब इस बजट के द्वारा पूरी होंगी। अमृता जी, 4 साल में एक मकान नहीं बना, और आपका उम्मीद करते 4 महीने में बजट विधानसभा चुनाव के पहले 16 लाख मकान ये बना देंगे? साहब इनका तो केंद्रीय बजट लौट गया है, और एक देखिए मैं ना एक एक करके इनके ही घोषणा पत्र दिखा रहा था जब माननीय अमित जी और पत्रकार महोदय बोल रहे थे। ये घोषणा है महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता, रायपुर शहर में राजधानी में एक बालिका। अमित जी क्या कहना चाहेंगे, कुछ ही समय बचा चुनाव के लिए, ऐसे 4 साल में जो आपने वादे पूरे नहीं किए हैं वो बजट सत्र के दौरान, बजट से कैसे वादे पूरे कर लिए जाएंगे इतने कम समय में? दैनिक वेतन भागी अपना अनियमित कर्मचारियों की बात करते रहे, ये कभी नहीं कर पाए। अगला आने दीजिए पेंशन योजना, अरे साहब बुजुर्गों को तो कम से कम छोड़ दीजिए, 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग और सर्व विधवा महिलाओं को 1,000 रुपए मासिक पेंशन की बात किए थे वो 4 साल में आप नहीं दे पाए, 75 वर्ष से बुजुर्ग को 60,000 रुपए नहीं दे पाए। ये आपके जन घोषणा पत्र दिखा रहा हूँ, महिला स्वसहायता समूह सशक्तिकरण, उनके रेडी टू ईट का पैसा। अमित जी क्या कहना चाहेंगे, आप पिछले 4 साल में आपकी सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर पाई, चुनावी साल ऐसे में 6 महीने में कौन सा जादू कर देंगे? बात कर रहे थे माननीय अमित जी, शिक्षा की बात कर रहे थे, IIT, NIT, IIIT, AIIMS, हिदायतुल्लाह। अनुराग जी, अमित जी को अपनी बात रखने दीजिए, आपको मौका दूंगी मैं फिर से, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी के कारण। अमित जी आप अपनी बात कहिए, सरकार कुछ नहीं कर सकती है। देखिए प्रीता जी, मैं आपको बता दूं कि अच्छे बाबा साहब ने ठीक कहा कि ये अच्छे दिनों का वादा और जुमलेबाजी करके ये सरकार में खुद बैठते हैं। हम आपको वादा करते हैं कि हम जो बजट ला रहे हैं वो सच्चे दिनों का बजट होगा, और मुझे लगता है कि मैंने जैसा कहा कि नई सोच और नई सोपान के साथ हम जन कल्याणकारी योजना उसमें होंगी, और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है अनियमित कर्मचारियों के लिए कुछ राहत भरे फैसले भी सरकार हमारी ले रही है, नई नौकरियों के लिए माहौल को तैयार करने के लिए, चाहे कृषि हो, शिक्षा हो, और महिलाओं से जुड़ी घोषणाएं भी हमारे मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर ये बजट भी जिस प्रकार किसानों पर फोकस करने वाला बजट होगा, और मैं फिर अनुराग जी नोट कर लीजिए, चलिए अमित जी वो तो कुछ ही देर का समय बचा है, और अब ऐसे में जिस तरह से आपकी सरकार लगातार कह रही है कि भरोसे का बजट है, देखने वाली बात होगी कितना भरोसा इस बजट पर एक बार फिर जनता करती है, क्योंकि आने वाले समय में जो चुनाव है वो भी ज्यादा दिन दूर नहीं है, और वोट बैंक से ही पता चल जाएगा कि आखिर जनता ने इस बजट को लेकर क्या कुछ परिणाम है जो वो चुनाव में देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए कुछ ही देर में जो बजट है छत्तीसगढ़ का वो पेश किया जाएगा, और 1,15,000 से ज्यादा का ये बजट बताया जा रहा है, और देखने वाली बात होगी भरोसे का बजट, जो लगातार सीएम कल कह रहे थे संदेश के दौरान कि बजट पेश किया जाएगा, और जो बातें पूरी नहीं हो पाई थी पिछले घोषणा पत्र में, कहीं ना कहीं इस बजट के द्वारा उन सभी वादों को पूरा कर लिया जाएगा। अब जनता को इसका इंतजार है, और कुछ ही देर में ये बजट पेश किया जाएगा, और देखने वाली बात होगी आखिर इस बजट पर जो सरकार का भरोसा है जनता के लिए कि जनता इस बजट पर भरोसा करेगी, अब जनता का देखना होगा क्या कुछ रुख होगा इस बजट के पेश होने के बाद। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए अनादि टीवी, नमस्कार।